ब्लॉकचेन, सबसे पहले ब्लॉकचेन जो होता है वो डिसेंट्रलाइज होता है, और फर्स्ट डे से जो है 100% जो है वो डिमांड एंड लिक्विडिटी पे वर्क कर रहा है। यानी फर्स्ट डे से व्हाइट पेपर को हम देख सकते हैं, बेस्ड हमारा जो है रियल टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है 100%। ये सप्लाई की बात की जाए पीएलसी यूएक्स की, तो 10,000 पीएलसी यूएक्स ही अब तक जो सप्लाई में है। कम्युनिटी की बात की, जैसे कि मैंने बताया तकरीबन 14 लाख लोग इस टेक्नोलॉजी में अपने को बेनिफिट ले रहे हैं, इस टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं। पीएलसी यू की सप्लाई की बात करें, टोटल सप्लाई 10 लाख की है और बर्निंग हो रही है पर ट्रांजेक्शन पे 1% की। साथ ही यदि हम किसी एक्सचेंज पे कोई भी प्रोडक्ट बाई करते हैं, कोई भी क्रिप्टो करेंसी को बाई करते हैं, तो बाई करने के साथ साथ वहां पे हमें कोई एजुकेशनल कोई एकेडमी नहीं मिलती है, हमें कोई ट्रेनिंग देने वाला नहीं होता है, कोई एजुकेशन देने वाला नहीं होता है। तो यहाँ पर क्या है, हम एजुकेशन भी ले सकते हैं। आज की तारीख में जितने भी लोग जूम सेशन पे बैठे हुए हैं, तो वो सभी लोग जानते हैं कि आज हम इस टेक्नोलॉजी के एजुकेशन के लिए बैठे हुए, सीखने के लिए बैठे हुए हैं। और कह सकते हैं कि ग्लोबल लेवल पे इस टेक्नोलॉजी ने अपने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किए हैं। कैसे, कौन कौन से हैं, वो अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। बात करते हैं सबसे पहले वन डे से, यानी वन डे से जो है वो डेवलप किया है कुछ टेक्नोलॉजी को, जैसे कि ब्लॉकचेन ओपन सोर्सेस, ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर को आप देख सकते हैं, अल्टिमा वॉलेट, अल्टिमा फॉर्म, मिंटिंग प्रोसेस बहुत जबरदस्त है, स्टेकिंग, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट और बर्निंग 1% ट्रांजेक्शन के साथ पे डिसेंट्रलाइज्ड नोड पे भी काम कर रहे हैं। मैं बताना चाहूंगा जितने भी पुराने हमारे साथी हैं जो 2020 में और 2021 में जिन लोगों ने इस टेक्नोलॉजी को क्रैक किया था, उन सभी के पास में डिसेंट्रलाइज्ड नोड यानी ब्लॉकचेन प्लेसेस भी लोग यूज कर रहे हैं, जिसको बेनिफिट हम लोग उठा रहे हैं। साथ ही आगे बात किया जाए ग्रोथ स्ट्रेटजी क्या है, हम कैसे अपने को ग्रोथ कर सकते हैं, कैसे अपने को डेवलप कर सकते हैं, कैसे अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज कर सकते हैं।